नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है हमारे घर में फ्यूमिगेशन। हमारे घर में ना काफ़ी कॉकरोचेस हो गए हैं, ये घर को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। तो जो ओनर हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अपने घर को थोड़ा फ्यूमिगेट करवा लें। तो ये फ्यूमिगेशन का जो प्रोसेस है ये ओनर खुद से ही अपने घर में करवा रहे हैं। तो मैंने घर का जितना भी सामान है सारा कार्टून में डाल दिया, लेकिन जो खाने पीने का सामान है, मेरे ग्रोसरीज वगैरह हैं जो मेरे, तो उनको मैंने ये फ्रिज के अंदर डाल दिया, क्योंकि इधर उधर डालना मुझे सेफ़ नहीं लगा। और मेरे पास अपना एक फ्रिज है इतना बड़ा सा, ये फ्रिज मैं आते समय अपना इंडिया से लाई थी, तो इसी में मैंने सारा जितना भी ग्रोसरीज वगैरह हैं सारा रख दिया। ये एक फ्रिज के अंदर मेरा सारा ग्रोसरी आ गया, देखिए पूरा मसाले से लेकर जितना सब कुछ है सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मुझे अपना किचन भी पूरा खाली करना पड़ा है, तो मैंने सब कुछ खाली कर दिया। किचन का जितना भी शेल्फ़ वगैरह है, कबर्ड है, सब कुछ खाली कर दिया। और कल ये सुबह आएंगे फ्यूमिगेट करने। अब देखिए मैंने जितना घर का भी सामान है वो सारा सूटकेस के अंदर रख लिया है, और ये ग्लास के आइटम सब डाइनिंग टेबल में मैंने कवर डाल के रख दिया। बस ये अभी आ गए हमारे, फ्यूमिगेट कर रहे हैं ये। ये फ्यूमिगेशन को करने में शायद इन्हें 1 घंटे लगेंगे, पर घर के अंदर अभी हमें आने के लिए मना किया है। फ्यूमिगेशन करने के बाद कम से कम घर के अंदर 6 घंटे आना मना किया है हमें, तो इसीलिए हम अभी कॉस्को जा रहे हैं। तब तक सोचा क्या करें, 6 घंटे कॉस्को जाकर हम घर का जितना भी ग्रोसरीज वगैरह ख़त्म हो गया है वो ले लेते हैं। आ गए हैं हम अभी कॉस्को। ये वाला कॉस्को मेरे घर से काफ़ी दूर है, पर सोचा 6 घंटे हैं, थोड़ा बड़ा वाला कॉस्को चले जाते हैं। इधर बहुत सारा ऑप्शन भी मिलेगा कुछ अगर ख़रीदना हो तो। ये कॉस्को में तो जानते ही हैं, एंटर करते ही विंटर वेयर का सारा कलेक्शन हर जगह में, हर एक कॉस्को में आ गया है विंटर कलेक्शन। वुलन श्रग है, सोच रही हूँ एक ले लेती हूँ, ये ब्लैक वाला, और एक मरून भी चाहिए था पर ये मुझे इसका साइज़ नहीं मिल पा रहा है। चलिए ले लिया एक ब्लैक वाला। कॉस्को में आने का पीछे और एक रीज़न भी है, मुझे आटा चाहिए था। यहाँ एकदम ऑर्गेनिक सील्ड आटा मिलता है, तो वो मुझे चाहिए था, वो मुझे मेरे यहाँ के जो कॉस्को में वो नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं इधर मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए ये वाला साइकिल, ये आध्या को लेने का बहुत दिनों से मन है। अभी छोड़ देती हूँ, आध्या को साथ में लाऊंगी और फिर ख़रीदूंगी। अगर फिर पसंद नहीं आया उसको तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाला है ह्यूमिडिफायर, मैंने भी लिया है 2, क्योंकि ठंडियों के दिन में अक्सर कंटिन्यूस ब्लोअर चलने की वजह से बहुत ड्राइनेस हो जाता है स्किन में, और ये ह्यूमिडिफायर अगर हम चलाएंगे तो स्किन में मॉइस्चर बैलेंस बना रहता है। इस तरफ देखिए कितना सुंदर क्रिसमस का सारा डेकोरेशंस वगैरह मिल रहा है। ये आइस्ड ट्री है और ये पास ही में क्रिसमस ट्री है। एक लेने का बड़ा मन है, पता नहीं ये हाँ बोलेंगे भी या नहीं ये वाला, पर मेरे घर में उतना जगह भी नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना बड़ा नहीं लूँगी, पर ये आइस ट्री मैं ज़रूर लूँगी। ये हमने ये आइस ट्री ले लिया, ये एग्री कर गए। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। तो चेक करते होगे ना? चेक कोई नहीं करने। खैर क्रिसमस ट्री ना ही सही, आइस ट्री ही हुआ। चलिए ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाला कॉस्को का एक छोटा मोटा टूर भी करा देती हूँ। ये कॉस्को बड़ा है तो इधर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। देखिए इधर बहुत सारा स्पाइस वगैरह भी मिल जाता है, जैसे ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और भी पेपर पाउडर भी है, बहुत सारे बहुत तरह तरह के मसाले मिल जाते हैं। सब मुझे चाहिए तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा घूम कर देख लेने से क्या होता है, थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है, इसलिए बस घूम कर देख रही हूँ। ये है स्ट्रॉबेरी और लीची, बहुत ही टेस्टी है। हम इंडिया से आने के बाद ना घर में सबको मिलकर बहुत इन स्ट्रॉबेरी और लीची खाते थे इनिशियली, बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरफ देखिए ये वाला बर्तन का सेक्शन है, यहाँ सॉस पैन से लेकर फ्राइंग पैन सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। ये वाला है, इसका प्राइस $199.99 यानी $200 के आसपास। ये हैं ग्लास के टिफ़िन कंटेनर्स, मैंने भी खरीदे हैं यहाँ आने के बाद बहुत सारे, तो ये लंच ले जाते हैं उसमें। वाह, ये गारमेंट स्टीमर। हाँ।
इस तरफ देख लेते हैं थोड़ा, एयर फ्रायर है और भी तरह तरह के किचन के अप्लायंसेस हैं छोटे मोटे। ये वाला है ब्रीटा जिसको मैंने आते ही यहाँ पहले ख़रीदा पानी फिल्टर करने के लिए। ये छोटा मोटा हैंडी पोर्टेबल मिनी फिल्टर है, इसमें पानी फिल्टर होता है, फिर हम उसको डाल के डायरेक्टली पी सकते हैं। ये कुछ मेजरिंग स्पून्स हैं, लेने का मन तो है पर पहले अमेज़ॉन में प्राइस चेक कर लूँ उसके बाद लूँगी। सामने एक ट्रॉली दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये बड़े काम की चीज़ है। मैंने भी यहाँ आने के बाद इसको ख़रीदा है। इससे क्या होता है कि हम जब कभी भी वॉलमार्ट या कॉस्को जाते हैं, बल्क में सामान लेकर आते हैं, फिर गाड़ी से उसको उतार के नीचे घर तक ले जाने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसको क्या करती हूँ मैं, उसी काम के लिए यूज़ करती हूँ। उसमें सारा सामान वगैरह ला के मैं डाल देती हूँ, फिर पुल करके घर की तरफ ले जाती हूँ। इससे मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। ये फोल्डेबल भी है और लोग यहाँ में ये बहुत यूज़ करते हैं भारी चीज़ों को उठाने के लिए। कुछ ज़्यादा सामान अगर वो कैरी कर रहे हैं तो कहीं घूमने भी जाते हैं तो मैंने देखा है लोग इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। ये एक फोल्डेबल टेबल है जो कि ये अपने ऑफिस के काम के लिए लेना चाहते हैं, पर लगता है ये साइज़ थोड़ा छोटा है, हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का टेबल चाहिए। खैर कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। इसके साथ ये शायद मैचिंग चेयर भी है। ये बॉक्स कितना सुंदर लग रहा है ना। ये वाला बॉटल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पाइनएप्पल के शेप में है। मैं इसको देख कर इतना सुंदर लग रहा है बोल के मैं रुक गई, हालांकि ये लिकर सेक्शन है, मेरे किसी काम की नहीं। खैर चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। उसको मैं हर जगह सिर्फ वुलन का डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ आया है, वुलन के श्रग्स, जैकेट्स, स्वेटर्स, इस तरफ है कुछ पैंट्स। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला एक पैंट ले लूँ। ये एक पैंट मैंने ले लिया, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ में बहुत सारे वैरायटीज़ के सैंडविचेस मिल जाते हैं। साथ में इधर दिख जाएगा आपको बहुत तरह के मीट, वैरायटीज़ ऑफ मीट इधर हैं। एक्चुअली ये जो किरलैंड सिग्नेचर है ये इधर का बहुत बड़ा ब्रांड है। ये किरलैंड के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी यहाँ कॉस्को में मिलते हैं। ये हो रहा है सामने चिकन ग्रिल हो रहा है, तो इसका टेस्ट ऑलमोस्ट उतना स्पाइसी नहीं है, खाने में अच्छा लगता है। मैं एक बार लेकर गई थी, हमारे वहाँ बैंगलोर में एक ग्रिल्ड चिकन मिलता था तो हम उसको रेगुलर लाते थे, बहुत टेस्टी होता था, वो पूरा फुल स्पाइसी होता था। ये उतना स्पाइसी नहीं है, पर मैं एक बार लाई थी तो उसको मैं यहाँ कॉस्को से गार्लिक डिप मिलता है उसके साथ खाया था, अच्छा लग रहा था हमें। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स एकदम बल्क में मिलता है, बहुत सा क्वांटिटी होता है। ये हैंडी फॉयल बहुत ही काम का है, अक्सर लोग घर में पार्टी वगैरह जब करते हैं, बहुत सारा बर्तन उस वक्त होता है तो लोग क्या करते हैं इसमें खाना वगैरह डायरेक्ट डाल देते हैं और डाल के इसको डायरेक्ट ओवन के अंदर ही डाल देते हैं गर्म करने के लिए। इससे काम भी थोड़ा आसान होता है और बर्तन भी कम होता है। देखिए ये वाला है ज़िपलॉक पाउच, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिलता है। मैंने ख़रीदा था यहाँ आने के बाद ज़िपलॉक पाउच, क्योंकि मैंने देखा इसमें कुछ भी स्टोर करके रखने से ये बहुत लंबे समय तक इसका जो फ्रेशनेस है वो इंटैक्ट रहता है। पर मुझे तब ये नहीं पता था कि ये साइज़ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। मैंने ना गलती से छोटा वाला साइज़ उठा लिया था। इस तरफ देखिए ये सारे क्रिसमस कुकीज़ हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे। इस तरफ थोड़ा देख लूँ, ये है कॉफ़ी कैनिस्टर, सिरेमिक का है, साथ में इसका जो लिड है ये वुडन का है, अच्छा है, देखने में तो सुंदर है, देखने से हर चीज़ लेने का मन होता है ना। तरफ हम आए हैं ऑयल लेना है, हमें ऑयल ख़त्म हो गया है, हम ऑलिव ऑयल ही मोस्टली ले जाते हैं। हमारे घर में रिफाइंड ऑयल का बहुत ही मिनिमम यूज़ है, अगर कभी अगर पूड़ी वगैरह तलना हुआ तो ही हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ पराठे वगैरह जो भी होता है हम लाइट ऑलिव ऑयल के साथ ही उसको खाते हैं। और आज इस बार ट्राई करेंगे, ऑलिव ऑयल नहीं लेंगे, इस बार हम एवोकाडो ऑयल लेकर जाएंगे। चलिए हो गया, हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया, हमने मिल्क वगैरह भी ले लिया। कॉस्को मेन आते हैं हम मिल्क के लिए ही, और इस तरफ आए थे हम आटा के लिए, पर आटा तो मिला नहीं,
खैर कोई बात नहीं, वो ऑर्गेनिक आटा हमें बहुत पसंद है, पूरा अच्छे से एकदम टाइटली सील्ड होता है, तो इसीलिए हम वो ऑर्गेनिक आटा है वो कॉस्को से ही लेते हैं। पर इस बार मिल नहीं रहा है वो, पता नहीं क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा शायद। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा कॉस्को का शॉपिंग तो हो गया। ये वाला देखिए, ये बिलिंग काउंटर है, इधर सारा बिलिंग वगैरह होता है। ये कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कॉस्को का मेंबरशिप कार्ड। तो कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए उसको पहले मेंबरशिप कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और फिर मेंबरशिप कार्ड अप्लाई हो जाने के बाद उनका एक फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो होने के साथ ही साथ उन्हें ये मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है। तो ये जो मेंबरशिप कार्ड होता है ये दो तरह का आता है, एक होता है गोल्ड कार्ड और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्ड। जो गोल्ड कार्ड होता है वो होता है $60, यानी कि 4000 रुपीज़ से थोड़ा ज़्यादा, और जो एग्जीक्यूटिव कार्ड होता है वो होता है $120, यानी कि 9000 से थोड़ा ज़्यादा। जो एग्जीक्यूटिव कार्ड होता है उसमें 2% का कैशबैक भी होता है। जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं कॉस्को से, उनके लिए एग्जीक्यूटिव कार्ड अच्छा होता है। हमारा अपना भी एग्जीक्यूटिव कार्ड है। मुझे पता है कि आप में से बहुतों को ये चीज़ मालूम है, इनफैक्ट जो यहाँ रहते हैं उन्हें तो ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, पर फिर भी मैंने ये बता देना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो पहली बार इस कंट्री में आ रहे हैं, या जो आने का प्लान कर रहे हैं, उनको शायद थोड़ा हेल्प हो जाए इससे, इसीलिए बस मैंने इसको बता देना ज़रूरी समझा। भी फ्यूमिगेशन ख़त्म हो गया हमारा, 4 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट फ्यूमिगेट करके वो चले गए हैं। अभी बस हम थोड़ा घर में जाएंगे, घर जाके थोड़ा वेंटिलेट कर देंगे क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से पिकअप करना है, उनको पिकअप करके फिर हम लंच करके फिर घर में जाएंगे। तब तक घर थोड़ा मतलब वेंटिलेट हो जाए तो बेटर है। हाँ, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ जो चाहिए होता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।